बथुआ वाला लोग कहाँ रहेगा? सर देखिए, बाढ़ आया था और दियारा में तो हर साल पानी आ जाता है, लेकिन इस बार गंगा नदी में कुछ ज़्यादा पानी होने के कारण पूरा दियारा प्रभावित ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए अभी पानी निकल गया है, घूम रहे हैं, सब लोगों की बात सुन रहे हैं। सरकार ने पूरी मदद बाढ़ के दौरान लोगों को किया है, सबको सामुदायिक किचन चलवाया, सब लोगों को सूखा राशन दिया गया, DM साहब खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो सारे लोगों को मिला है। अब घूम के देख रहे हैं कि और कहीं कोई समस्या अगर है तो उसका निराकरण होगा। फसल का नुकसान ज़्यादा हुआ है? फसल का तो मुआवजा मिलता ही है, लेकिन फसल का नुकसान हुआ है तो फसल का आकलन करेंगे ना सर्वे करने के बाद, तो वो DM साहब फसल के का जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा के आकलन कर लेंगे, सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे और फसल मुआवजा मिलेगा। सर बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब बीमारी की आशंका आ रही है? बीमारी की आशंका है, उसके लिए सतर्क है, पूरा जिला प्रशासन सतर्क है, जो भी जहाँ भी समस्या होगी उसका निराकरण। सर एक और सवाल, सर महागठबंधन के तरफ से जदयू को लगातार ऑफर मिल रहा है। छोड़िए ना महागठबंधन, पहले अपना गठबंधन ना देखें, महागठबंधन है कि लठ गठबंधन है, पहले अपने परिवार में ना झगड़ा फरियावे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पहले भी बटलो है, आओ जब कुछ गड़बड़ हो तो बटवा दे। यहाँ पानी निकल गया है तो बटवा दे, चारा थोड़ा जल्दबाजी बटवा दे। हो गलो पशु का चारा भी बिपिन जी, और बाकी जो फसल है किसान का, ये साहब हम सर्वे कराएंगे, पानी निकला है ना, अब ये सर्वे करवाएंगे, सर्वे करवाएंगे जिसका जिसका जितना फसल नष्ट हुआ सब फसल का मुआवजा देते हैं, लेकिन सर्वे ही कराएंगे तब ना कि किसका कितना फसल बर्बाद हुआ है। DM साहब अब पानी निकल गलो, अब DM साहब सब जगह पूरा सर्वे करवे, सब लोगों का जिसका जो फसल बर्बाद हुआ है सब लोगों का दरखास्त दिलवा दीजिएगा, उसका CEO सबको जांच कर लेंगे, और जांच करके जिसका जितना फसल हुआ है, जिसका घर 6000 रुपया जो बाढ़ पीड़ितों को भी मिलेगा ना जी, जिसके जिसके घर में पानी गया सबको 6000 रुपया मिलेगा। उसके अलावा और भी जितना राहत का काम है उसका भी उसके लिए कोई चिंता, मुख्यमंत्री कहते हैं ना राज्य के खजाना पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित लोग, तो आपदा पीड़ित आप हैं, चिंता मत कीजिए, मुख्यमंत्री रोज उसका मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन GR जो बने वो ना 6000 वाला घपला मत करिए, ओकरा परिवार में 4 आदमी का नाम दे, सब DDC साहब का कह दिए हैं, सबके छांट के निकाल देते, एक परिवार में एक आदमी, एक परिवार को 6000, ओकरा में गड़बड़ नहीं करिए, बड़ी जगह गड़बड़ करा है कि बापों के नाम, बेटों का नाम, पोतों का नाम, परिवार जो अलग हो गया, पारिवारिक सूची बना हुआ है, वो पारिवारिक सूची बना हुआ है ना, पारिवारिक सूची है ना सर, ऐसी सूची का जो बेटा है सर, उसके अनुसार जो फैमिली प्लस राशन कार्ड भी है सर, बस राशन कार्ड भी है, पारिवारिक सूची भी है, तो उसके मुताबिक ही मिलेगा, ठीक है, अब छुट्टी दो।